तो दोस्तों वैसे तो कुल्लू मनाली होता है, लेकिन मैं बोलूंगा मनाली और कुल्लू, क्योंकि मैं आज यहाँ पे बना हुआ हूँ उल्लू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जंगल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैंने वेलकम टू द गेमांजी की जगह वेलकम टू द जंगल कह दिया, बात तो एक ही हो गई है आज क्या अब। ओके, ये डड्डू फूलेगा इसलिए मैं इधर से जाता हूँ। मेंढक को पंजाबी में डड्डू कहते हैं, इसीलिए मैं भी इसको डड्डू कह रहा था। तो इन मेंढकों से बचने के बाद मैं नीचे गिरने जा रहा था, लेकिन मेरे को बस इसने खुद ब खुद इधर पहुंचा दिया। तो अब अगर उसने खुद हम पे एहसान किया है तो इसकी कोई तो वजह रही होगी। उसकी वजह ये थी कि वो मुझे नीचे गिराना चाहते थे, और यहाँ पे हमेशा गेंद पड़ती है, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे नहीं आएंगे, आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी दोनों राइनोज एक ही साइड जा रहे थे। ओके, इसने रास्ता बदला, मेरे कहने पे इसने रास्ता बदला और अब मेरे को ही हेंकड़ी दिखाने जा रहा था, लेकिन बच गया। ओके, यहाँ से बड़ी लीली भी है मैंने सुना है। ओके, मेंढक भी है, तो और क्या क्या है, बस यहीं से जाना था। आप लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मैंने आपका कमेंट पूरा किया कि वहां से क्वालिफाई हो। एक मिनट, ये कहाँ का इंसाफ है भाई, मैं क्वालिफाई किया और उसके बाद डिस्कनेक्टेड, हद हो गई। तो दोस्तों कोई बात नहीं, पिछली बार हम जीत के भी बाहर चले गए थे, पर चलो कोई ना, इस बार वैसे भी लीली पर आ गया तो कुछ नया आया है, इसको ट्राई करते हैं। ट्राई नहीं करते वैसे, इसको क्वालिफाई करते हैं। और अरे यार, मुझे था मैं पहुंच जाऊंगा, मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। और यहां से भी कहते हैं लोग कि आप इस माउंटेन के ऊपर से जाओ, नेक्स्ट टाइम जाएंगे भाई, अब तो बस पहुंच गए हम यहीं पे, ऐसे ही पहुँच गए, वही बहुत है अब तो। और अरे यार, ओके, अरे यार वो पहुंच जा वहां पे, नहीं पहुंच पाया, कोई ना, कोई टेंशन नहीं, इस बार पहुंच जाएंगे हम। ओके, इस बार पक्का, आराम से वेट कर उसकी, आ गया, बस इतनी वेट भी सही नहीं है, अब इसकी वेट करूंगा मैं। अरे यार, ओके फाइनली मैं यहां पे पहुंचा, लेकिन ये लोग बहुत टाइम वेस्ट करवाते हैं वहां पे। और पहली बार में यहां से तो निकल गया मैं। ओके, ये लोग भी यहां पे डांस कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। ओह, ये मेरा तो खतरनाक वाला डांस निकल गया था। अबे गिरा रहा है मुझे, अगर यहाँ से गिरा तो वापस से जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से चलता हूँ बस। ओके, आ गया है हमको यहाँ पे स्टम्पिंग ग्राउंड। खैर, इस राउंड को मैंने अब तक एक बार भी क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि हमेशा राइनोज मेरे को मारते ही हैं। आज मैं राइनोज को मारूंगा, नहीं, ऐसी गलती बेवकूफ़ी मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं बचूंगा, और मैं बचूंगा किस तरीके से मुझे नहीं पता, बस मैं बचूंगा। चारों और लिलीज हैं, और मैं इतना लकी भी नहीं हूँ कि इन लिलीज से बच पाऊँ पे। ओके, ये लोग सेंटर में है, वो राइनो का कहाँ पे, इनका मुंह उधर हो रहा है बस, ठीक है। ओके, वो उधर को जा रहा है। ओके, तो अभी कौन सा राइनो किधर आ रहा है, उसका मुंह किधर, वो इधर को आ रहा है, मैं भाग गया, लेकिन अरे बच गया, पूरे नंबर पे बच गया मैं। अभी मैं सेंटर में ही चलता हूँ। ओ, साइड पे हो जा, अबे नहीं, मैं शौक से अभी तक बाहर ही नहीं निकला था, बाहर निकला। तो फिर से लिलीज वाले राउंड से शुरुआत हो रही है, इंटरनेट महा घटिया चल रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम जाएंगे साइड के पहाड़ों से। मैं पहाड़ों से जाने वाला हूँ, और इधर से कोई भी नहीं गया, तो ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। ओके, यहाँ पे ये बहुत छोटी है इसीलिए मुश्किल है, लेकिन मैं चला गया। अब इसका बेनिफिट यहाँ से जाने का कोनो बेनिफिट नहीं है। अरे बल्कि मैं तो पता नहीं कहाँ पे फंस गया, मैं यहाँ पे चढ़ सकता हूँ, वो भी चढ़ सकता हूँ, अगर मैं इस मस्ती के चक्कर में यहाँ से रहा ना। ओके, मैं फिर से चढ़ूंगा, मैं सच में अगर मैं इस मस्ती के चक्कर में रहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। वैसे एक मिनट, मस्ती मैं कर रहा हूँ और मैं छोड़ूंगा आपको नहीं। यार नीचे ही गिर गया, वहां से मुझसे नहीं जाया गया, वैसे जाया जाता लेकिन मैं गया नहीं, मुझसे नहीं जाया गया यार, सिंपल भाषा में यही समझ लो। अब यहां से ये मार खाने वाला है, हाँ यही भी है। ओके रुके, अभी
यस। अरे यार यहाँ पे ये लोग बहुत दुखी करते हैं। ओके अभी मैं यहाँ से जाएगा और एक मिनट, एक तो ना यहाँ पे कैमरा एंगल नहीं संभलता मुझसे। अब आराम से साइड पे जा, साइड पे जा। एक तो तूने आज उधर बहुत मस्ती कर ली, उसके बाद तू यहाँ पे मस्ती कर रहा है। मस्ती नहीं कर रहा यहाँ पे, तो खैर खुद मस्ती हो रही है। और पहुंच गया तू, अब यहाँ से जा जल्दी से। वैसे अभी 13 लोग ही गए, एक तो लोग भी ना नकारा ही है सभी के सभी। ओके सीधे, और नहीं जा पाया उस पर मैं, लेकिन अब यहाँ पे हम एक बार करेंगे हमारा डिस्क्यू हो जा। ओके 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 मैं भी करके देखूं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यार मैं बबल ट्रबल और पेगविन पूल पार्टी में कुछ तो गड़बड़ करता हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं इन राउंड्स में ही हमेशा रहता हूँ, या फिर ज्यादा लोग रहते हैं और भी रहते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे टिप्स दो यार इन राउंड्स की, बबल ट्रबल की होगी और वो मुझे पता है गोल्डन होता है उसमें, लेकिन कहाँ पे होता है ना मुझे पता है, ना मैंने कभी आज तक पकड़ा है गोल्डन। कई बार गलती से हो सकता है मुझे मिल गया हो। तो ये राउंड्स तो आसान है यार, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, और इनसे तो अगर नीचे भी गिर जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है बे, बहुत पीछे गिरा तू, और बच गया इस बार भी, वरना तो इस बार भी तेरा जाने का ही इरादा था। ओके भाई सभी लोग मेरे से आगे निकल गए और मेरा कोई इरादा नहीं है इस राउंड में भी रहने का। मैंने बहुत बेइज्जती करवा ली अपनी दूसरे राउंड्स में ही, तो इसमें अब नो बेइज्जती। एक मिनट, अब मैं कहाँ पे स्पॉन हुआ, इससे अच्छा है मैं नीचे ही चला जाता। और मैं इनसे बचते बचाते यहाँ तक पहुँच गया और चार बंदे क्वालिफाई भी कर गए, और इस बार मैं यहीं से नहीं निकल पाया, वरना मैं यहाँ से तो आराम से निकल जाता हूँ। अरे इस बार मैं कुछ ज़्यादा जल्दी कर गया यहाँ से भी, और लेकिन अब मैं यहाँ से आराम से जाने वाला हूँ। ओके पहुँच ही गया, बस बस मैं पहुँच ही गया, पहुँच गया। ये बला फिर से आ गई, बबल ट्रबल आई हेट यू एंड पेंगुइन पूल पार्टी आल्सो। मैं स्टॉम्पिंग ग्राउंड को कभी भी हेट नहीं कर सकता, क्योंकि उस राउंड में कोई बात नहीं, मजा आता है फिर भी। पर ये तो बोरियत का नतीजा है, नतीजा नहीं है इसमें, बोरियत तो नहीं होती यार, बहुत भागना पड़ता है तो बोरियत तो बिल्कुल नहीं होती। मैं इधर जाने वाला हूँ या फिर उधर, उधर जाने वाला हूँ, वो जगह मेरी फेवरेट है। मैं जहाँ पे भी जाने वाला हूँ वहाँ पे और भी लोग आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जाने वाला हूँ बस। ओके मैंने फोड़ दिए, ऐसे तो मैंने फोड़ दिए। यहाँ पे ऊपर जाने में भलाई होती है या नीचे? ओके अभी मैं यहाँ से यहाँ पे भी जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गए और दो बुलबुले फोड़े मैंने अभी, कहीं और आए। हाँ हाँ वहाँ पे आए हुए हैं, तो जल्दी यहाँ पे चल इससे पहले कि सभी ख़त्म हो जाएं तेरी बारी में। एक मिनट, अब उस तक मैं पहुंचने पा रहा था, लेकिन उससे पहले ही कोई पहुंच गया। अभी यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए और कोई नहीं आया अभी। अबे ओके मैं अभी चार ही फोड़ पाया, इस हिसाब से तो तू जीत लिया फिर भी इसको, इस बार भी इसको। सात बंदे क्वालिफाई भी कर गए और तू अभी चार ही कर पाया, तो मैं उधर जाता हूँ। और यहाँ पे भी सभी कर गए, अब यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं ब्रदर। ये गोल्डन वाला है, कोशिश तो कर ही सकता हूँ इसकी कम से कम। मैं नहीं मिला तब भी, अब अगर मैं इसके पीछे ज्यादा भागा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो अभी इरादा तो मेरा वैसे भी नहीं है करने का, कम से कम यहाँ से एक दो तो फूट जाओ, कम बेइज्जती हो जाएगी। वैसे तो अभी चार ही फूटे मेरे, तो डेफिनेटली मैं तो कदाचित नहीं जीतने वाला। कहीं और आए, आ जाओ कहीं तो और। वहाँ पे एक गोल्डन अभी तक है, तो कहीं पे नहीं आए अभी। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए फाइनली।
अबे फूट जाओ, क्या कर रहे हो? और इस बार तो यहाँ पे गोल्डन पार्टी हो रही है मेरी। एक मिनट, अरे नीचे क्यों गिरा, अरे नीचे क्यों गिरा बे, कोई फायदा नहीं। तो इस राउंड को तो हम जल्दी से क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत जल्दी, यहाँ से बहुत जनता जाएगी। मैं नीचे से गए बहुत दिन हो गए, लेकिन फिर भी चलो इधर से चलते हैं। और मैं वहां से भी नीचे ही आ गया। अरे कहाँ पे पहुंचा दिया शुरुआत में, बस अब इससे नीचे मत पहुंचाइयो। सभी निकल गए, नेक्स्ट टाइम से नीचे से आएंगे, नीचे से फास्ट पड़ेगा मुझे लगता है, उससे ज्यादा, कम से कम, कम से कम उससे ज्यादा तो, हाँ जितना फास्ट ऊपर से पड़ता है उससे तो ज्यादा ही पड़ेगा नीचे से। और अभी मैं इधर से ही जाने वाला हूँ। ये यहाँ पे डाइव करना सबसे गलत होता है, बस हम आगे से ध्यान रखेंगे। चल बे नीचे हो जा, चल तू भी नीचे हो, और इस बार मैं यहीं से जा रहा हूँ। ओके, इनके ऊपर से जाना है मुझे, और ये झूले की तरह रिएक्ट करते हैं, मुझे पता है इनका। और मैं नीचे फिसल गया झूले से। ओ ये राइनो देखो कैसे फुसरा हुआ राइनो आ रहा है, लेकिन मैं चला गया उधर से। तो कितने बंदे कर गए भाई, 39 करेंगे और 19 कर गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं नीचे गिर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 26 कर गए, ये क्या हो रहा है, 30। बस इस बार थोड़ा आराम से। ओके मैं फाइनली पहुंच गया, ऑलमोस्ट रहता रह गया मैं। और मैं सेंटर में रहना ट्राई, आप लोग ही कहते हो सेंटर में रहो, और मैं सेंटर में भी ट्राई कर लेता हूँ। अभी एक राइनो सेंटर में आ रहा है और दूसरा सेंटर से जा रहा है, पता नहीं कौन कहाँ पे आ रहा है। ओके किसका इरादा किधर को आने का है, यहाँ पे आने का तो नहीं किसी का। अबे इसको कैसे दिख गया मैं, अबे ये किधर को घूम रहा है। ओके इधर तो नहीं कोई आ रहा, ये दो के बीच में चला जाता हूँ मैं, कम से कम इधर तो नहीं आएंगे। ओके मैं इसके पीठ के पीछे रहो इसकी, अरे सच में हाँ पीठ के पीछे रहो तो कौन मारेगा। अबे इनके बीच में फंस गया था मैं, तो इसकी पीठ पे रहता हूँ मैं, इसकी पीठ के पीछे। अरे ये तो पीठ भी बदल लेता है अपनी, मैं इसके पीछे ही रहता हूँ, अभी पूंछ पकड़ूंगा इसकी। ओह लेकिन अब वो दूसरे नहीं रहने देंगे ना तुझे, वो ओ बच गया, बच गया रे, बच गया भैया। 29 सेकंड है, 29 सेकंड भाई, एक से बचा दूसरा आ गया। मैं पूंछ के पीछे रहना है, पूंछ के पीछे रहने वाली पॉलिसी फॉलो करो। माना कि वो पूंछ बदल लेते हैं, लेकिन पूंछ के पीछे रहना इज बेस्ट। माना वो पूंछ बदल लेते हैं, माना कि वो, और मैं पहली बार यहाँ पे, अबे कर दिया, अबे दो बार किस्मत ने झटका दिया, लेकिन तीसरी बार नहीं देती, बच गया रे। डाइव बहुत अच्छे से किया मैं, डाइव, और फाइनली क्वालिफाई हो जा। 6 सेकंड प्लीज, आप मत कोई गड़बड़ी कर देना। अबे आ गया, नहीं आया, ओके हो गई गड़बड़ी, नहीं हो गया पार। ओ माय गॉड, पहली बार हमने स्टॉम्पिंग ग्राउंड आज क्वालिफाई किया, वो भी कितनी, 2 बार बचे, लक ने बचा लिया आज तो इसमें, वरना लक मरवाता है इसमें, लेकिन आज बचा लिया। और अब इसके बाद ये बबल वाला या पेंगुइन वाला ना दे दे गड़बड़ी। अभी बहुत बंदे को डिस्क्वालीफाई होते हैं, सिर्फ 13 बचे, इसका मतलब ये फाइनल राउंड भी दे सकते हैं, और क्या पता लॉस्ट टेम्पल देखने को मिल जाए, मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने फाइनल ना डाला तो ये पक्का पेंगुइन वाला डालने वाले हैं। लॉस्ट टेम्पल फाइनली जाके हमें नया राउंड देखने को मिल रहा है, लास्ट है, और अच्छे से जाऊंगा, चाहे हारू चाहे जीतू, नहीं मुझे तो पहली बार खेल रहा हूँ, इसमें बहुत मजा आ जाएगा। शुक्र, अबे ये बुलबुलैया पार करनी है और यहाँ पे पहुंच के उसको पकड़ना है। ओके नाइस आइडिया का क्या मतलब है, नाइस आइडिया को कोई मतलब नहीं, सिर्फ भागना है यहाँ से तो पहला ही है, उसके बाद देखना है दरवाजा कौन सा होगा, अंदर पता नहीं हमारा क्या वेट कर रहा होगा, हमारी लेफ्ट या राइट। ओके बहुत अच्छे से, और ये यहाँ पे क्या है, ओके ये यहाँ पे ये फूलते हैं, ये नहीं है, यही है तो अबे ये क्या है, नहीं है वो वाला, तो वो वाला नहीं है अगर तो इधर वाला है। ओके ये तो एक तो मेढक, अबे चल। ओके यहां से भी ये राइट लेफ्ट वाला, और मैं नीचे गिरा तो पंखों से ऊपर जाना पड़ेगा मैं, राइट। ओके पंखे भी तब पहुंचाएंगे, अबे यार पहुंचा दो, कोई जीत भी गया, हाँ वहीं पे था ग्राउंड, ये तो हाथ भी आया और मुंह भी ना लगा, ये तो वो वाली बात होगी। वाह ओहो क्या स्टाइल है, गया ग्राउंड तेरे हाथ से भी, कोई फायदा नहीं स्टाइल मारने।
तो इस बार दोस्तों मैं सिर्फ नीचे से ट्राई करने वाला हूँ और देखता हूँ मैं जल्दी पहुँचूंगा या लेट, क्योंकि ऊपर से काफ़ी बार गिर जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नीचे से ही ट्राई कर लेते हैं, और नीचे से भी वैसे तो फटके काफ़ी पड़ जाते हैं पर फिर भी। अरे इंटरनेट मरवाएगा मरवाएगा पक्का। लेकिन उम्मीद है कि मुझे क्वालिफाई भी करवाएगा। अरे यार, एक तो जब इंटरनेट घटिया चल रहा होता है ना तब मेरा मूड भी घटिया हो जाता है। मूड घटिया नहीं होता, यानी बस पहले ही मोरल डाउन हो जाता है, समझ रहे हो ना। बस जज्बातों को समझो, शब्दों को समझने की कोशिश मत करियो। ओके, नीचे गिरा दिया, कोई बात नहीं, हौसला नहीं आ रहेंगे, हम साइड से ही जाएंगे। और इधर भी गेंदे पड़ती हैं, मुझे तो आज पता चला। और मैं इस बार सभी जगह सिंपल सोबर तरीके से गया, और ये सिंपल सोबर तरीका आपको भारी ही पड़ता है। 12 बंदे क्वालिफाई, 14 बंदे क्वालिफाई कर गए। अरे बस करो बे, मेरे मैं ही मिला तुमको, मेरे पीछे ही पड़ रहे हो। ओके, इस बार मैं यहाँ पे ये लिली ट्राई करता हूँ, और सीधे क्वालिफाई, ये तो ईजी है। तो यहाँ पे फिर से स्टॉम्पिंग ग्राउंड आया, और अगर मैं इसे अच्छे से खेला तो क्या पता फिर से लॉस्ट टेम्पल भी आ जाए और हम इसे क्वालिफाई कर जाएं। और मैं इसमें ध्यान रखूंगा बस पिछली बार की तरह, सेंटर में रहूंगा और किसी की पूंछ के पीछे दौड़ पड़ूंगा, किसी राइनो के। ये सारा मेरा देसी खोजा हुआ तरीका है। और इंटरनेट घटिया चल रहा है, और इस राउंड में इंटरनेट मायने भी रखता है, क्योंकि वो देखेंगे ना कि किस राइनो की पूंछ के पीछे जा रहा हूँ मैं, कहीं राइनो कोई और निकला है, पूंछ किसी और की हो। बच गया मैं उसके पीछे जाने के। ओके, ये दो दो आ रहे हैं, लेकिन मैं इसकी पूंछ के पीछे रहूँगा, क्योंकि एक राइनो दूसरे राइनो को तो मारेगा नहीं। तो ऐसे में अगर मैं उसकी पूंछ के पीछे हूँ तो मुझे खतरा कम है। अबे पूंछ के चक्कर में उसके सामने आ गया था मैं तो। पूंछ तेरी पूंछ कहाँ है? अबे पूंछ। ओके सॉरी, पूंछ मेरे भैया बच गैया, पूंछ मेरे भैया, इसको अकेला मैं ही मिल रहा हूँ। इसकी पूंछ तेरी पूंछ, तेरी पूंछ। अबे एक तो अगर पूंछ पे भी लगे ना तब भी पूंछ भी मारता है, ये तो गलत बात है ना। अभी ये तो कोई सीन ना हुआ, अभी पूंछ के पीछे तो रहने पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसे स्टीम इंजन की तरह भागते हैं ना, मुझे वो बहुत बुरा लगता है। आ गया था एक, मैं तो इसमें टाइप ही टाइप करता हूँ। ओके, इससे भी बचो। अभी इसकी पूंछ के पीछे हो ले तू, मेरे दो दो की पूंछ के पीछे हुआ, और मुझे लगता है मेरी बेड़ी पार लग जाएगी ऐसे पूंछ के पीछे रहने से। तो भाई पूंछ के पीछे रहना सच में काम करता है, मैं दूसरी बार क्वालिफाई कर गया, देख लो। पूंछ के पीछे रहो, ये मेरा देसी खोजा हुआ तरीका है सच में। और कितने बंदे गए? सिर्फ 14 बंदे बचे, मतलब पक्का लॉस्ट टेम्पल आ रहा है पक्का। वैसे ये मेरे इरादों पे पानी फेरने की पूरी पूरी हिम्मत रखते हैं, लेकिन सेकंड टाइम लॉस्ट टेम्पल फाइनली। आज लगातार दो बार देखने को मिल गया, पहले एक बार भी नहीं मिला था। चलो कोनो बात नहीं, अब मैं इसमें पहुंच जाऊं फाइनल तक, एटलीस्ट मुझे क्राउन देखने को मिल जाए। एक बार छूने दें ना दें, फिर तो अगर छूने दे दिया तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो यार कितने चक्कर हैं इसमें भी, यहाँ पे आपको जाके वहाँ पे जंप करना है, और सभी बंदे ना राउंडम राउंड खड़ा रखे होते हैं इन्होंने। ओके, पहले तो यही है ऑब्वियसली। अब मैं लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, जिधर लोग जाएंगे लेफ्ट ही है, ज़्यादातर लेफ्ट होता है इसका मतलब, ऐसे तो याद हो जाएगा। ये नहीं है, पिछली बार ये था। और उधर से खुल गया, और यहाँ से कौन सा क्या है? ओके, इधर से क्या है पता नहीं। ये वाला दरवाजा नहीं है, उधर वाला है। क्यों बेवकूफियां कर रहा है, क्यों हारेगा? ओके, पहुंच गया मैं, लेकिन बहुत लोग मेरे से आगे पहुंच गए। यहां से कौन सा है? अबे लोग तो यहां तक पहुंचे पड़े हैं, लेकिन वो फाइनल तक भी पहुंच गए एक दो, और कोई जीत भी गया। यार जल्दी जीत जाते हैं इसको, बस बहुत मजा आया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। यार मैं बहुत दो बार लॉस्ट टेंपल में आया और दो बार हारा, बहुत मजा आया, लेकिन मैंने दो बार स्टॉम्पिंग ग्राउंड को जीता है। और ये इनके अलग अलग एनिमेशन ऐसे हैं ना कि छोड़ दो, जिसको क्राउन मिलता है उसको भी क्राउन नहीं देते ढंग से, उसको भी बेचारे की बेइज्जती करते हैं। तो अच्छी बात है, दूसरों को जलन नहीं होती मेरी जैसे, जिनको क्राउन नहीं मिला उनको कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही जारी रखो। तो बस फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और पहले से कर रखे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।